तो अभी हम लोग पहुंचे हैं जी तकरीबन कुछ पहाड़ों के दरमियान में। वो बाइक का सफर है, थोड़ा सा रह गया, आगे जाकर बाइक खड़े कर देंगे। वहां से आगे तकरीबन आधा घंटा घंटा लगेगा, पैदल जाना है हाइकिंग करके। बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि इन पत्थरों के ऊपर से चढ़ कर आना है और अभी काफी आगे जाना है, और तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई है यार। फाइनली हम लोग उस जगह के करीब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। वो सामने आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये जगह सामने पानी आता था ऊपर से, तो बस बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो यार काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रहे हैं, तो इसका वजह यह है कि कुछ मसरूफियत की वजह से व्लॉग नहीं बनाए थे 3-4 महीने। तो आज फिर हमें दोबारा से जुनून चढ़ गया है। हम जा रहे थे घूमने एक जगह पर, सीक्रेट जगह है, बहुत कम लोगों को पता है, हमारे शहर के साथ ही एक गाँव है, तो उधर जा रहे हैं, खूबसूरत जगह है। आपको हम आगे जाकर बताएंगे कि कौन सी जगह, कैसी जगह दिखाएंगे और उसके बारे में पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग निकलने लगे हैं इस टाइम, तो चलते हैं जी। अभी हम लोग पेट्रोल डलवाना आए हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो ये शराज भाई हैं, इन्होंने पेट्रोल डलवा लिया है, और ये मेरे बाइक में मोटरसाइकिल जो है उधर पेट्रोल डलवा रहे हैं मानी, और बस पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर अपने सफर पर निकलते हैं हम लोग। गर्मी भी शदीद तरीन है आज, दुआ करिएगा खैर खैरियत से पहुंच जाए। खैर till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. इस वक्त हम लोग जी पहुंचे हैं नली गांव में, तो ये है जो रबाज के साथ तकरीबन एक घंटे की सफर पर ये गांव है, इधर हम पहुंचे हैं। उधर तो स्टे किया, तो ये देखे जी रिजवान भाई लोग ये रेस्टोरेंट का इंतजाम ले आए हैं, ले आए सारी चीजें, बड़ी देर लगा दिया यार। यहाँ से निकलने लगे हैं, तो यहाँ से ऊपर ये पहाड़ी है, यहाँ से हम लोगों ने सर्वाइव करना है। तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट लग जाएगा यार, फिर एक घंटा लग गया, फिर अभी यार आधा घंटा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, सारे बाइक हमारे खड़े हैं, तो इस वक्त चलते हैं। हाँ जी, तो इस वक्त हम लोग ऑफ रोड पर जा रहे हैं, रास्ता इस तरह का सारा बना हुआ है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ना रास्ता भूल गए थे, तो फिर हमें यहाँ पर एक मकामी बंदे ने रास्ता थोड़ा सा बताया कि इस साइड से जाना है, तो हम लोग फिर अब इधर से जा रहे हैं सारे। तो चलो जी, अभी हम लोग पहुंचे हैं जी तकरीबन पहाड़ों के दरमियान में, तो हमने बाइक को थोड़ा सा स्टे दिया है जी, काफ़ी गर्म हो गए थे, गर्मी भी शदीद है, तो बस थोड़ा सा सफ़र रह गया, थोड़ा सा सफ़र रह गया, तो बाइक का सफ़र है, थोड़ा सा रह गया, आगे जाकर बाइक खड़े कर देंगे। वहाँ से आगे तकरीबन आधा घंटा घंटा लगेगा, पैदल जाना है हाइकिंग करके। उसके बाद जी हम जिस जगह पर जाना है वो है जी चश्मा है, एक खूबसूरत सी आबशार है, तो बहुत ही कम लोगों को पता है ये, एक ना बहुत कम लोगों को पता है। लास्ट टाइम हम 3 साल पहले आए थे इधर, तो उसके बाद अब हम आ रहे हैं इधर। हाँ जी, तो इस वक्त हम लोग जी सफ़र जारी है हमारा, तो इधर से हम लोग ना जो रहते हैं लोग, इनसे पूछा था कि इधर हम बाइक खड़ा कर दें,
तो इन्होंने बोला है यहाँ पर बाइक खड़ा करने का फायदा नहीं है क्योंकि आगे रास्ता काफी है आपके लिए, तो आगे जगह है, रास्ता है जाने के लिए बाइक का। तो हम लोग, इन्होंने रास्ता बताया हमें, तो वो उस रास्ते से जाएंगे आप लोग तो काफी सारा ना आपका सफर कम हो जाएगा पैदल चलने का। तो हम लोग उधर से जा रहे हैं, फिर आगे जाकर उधर मोटरसाइकिल पार करेंगे, वहां से पैदल निकलेंगे। चले भाई जान, चलो जी। साथ एहसान हो गया है मानी साहब, करने लग गए हैं जी। मानी साहब क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? इमरान भाई के करने लग गए हैं जी कपड़ों के साथ, ये देखें। तैमूर भाई करने छुड़ा रहे हैं जी। आज इसकी बॉस की तो बढ़ गई, कपड़े खूब बहना मैं हाथ खूब गया। टोर वाज होना गा हूं ये बढ़ गए। हाँ जी, तो हम लोग अभी इस टाइम पहुंचे हैं उस जगह पर जिधर हमने मोटरसाइकिल पार्क करने हैं, उसके बाद हम लोग आगे पैदल सफर करेंगे। तो ये जगह मिली है हमें, बड़े बड़े पत्थर हैं, तो ये रिजवान भाई ने मशवरा दिया कि जगह खड़ा कर दे, यहाँ पर छांव भी है और गर्मी इतनी शदीद हो चुकी है ना। ये देखें जी, जगह हमें मिली है बड़ी जबरदस्त दो पत्थरों के दरमियान में, और इधर अपना सारे बाइक खड़ा कर रहे हैं। तो इस टाइम हमारा पैदल जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का, तो देखें रास्ता, देख लें आप, सारा पथरीला रास्ता है। यहाँ पर बाइक पर बैठकर जाना बहुत ही मुश्किल था, तो अब यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे सफ़र करके, तो इंशाल्लाह आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। ये जगह जो है ये चश्मे वाला पानी आ रहा है, यहाँ से जो गांव जो है नली, वो लोग ये पानी पीते हैं, साफ चश्मे लगे हुए हैं तो साफ हुआ पानी पीते हैं सारा। और हमने ना ठंडा पानी है, अब इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे चश्मे के ऊपर, वहाँ जाकर ऊपर नहाएंगे भी तो एंजॉय करेंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरत जगह। बहुत धूप है यार और जो है बहुत ज्यादा थक गए, अभी काफी रास्ता पड़ा भी है। ये शहरी भाई हैं, इनकी अभी से जो है ना ब्लैक हो गई है स्किन। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आबशार का पानी आ रहा है, रास्ता बना हुआ है और ये इस तरह करके मैं छोटी छोटी आबशार कह लें, झरने कह लें, कुछ भी कह लें, इस तरह ये पानी यहाँ से होते हुए आगे नीचे गांव की तरफ जाता है। और साथ में ये देखें साइडों पर खूबसूरत से पहाड़, वो हमारे साथी जा रहे हैं पैदल सफ़र कर रहे हैं, और बस थोड़ा सा सफ़र रह गया तकरीबन 15 से 20 मिनट का, तो इंशाल्लाह जल्दी हम ये सफ़र तय कर लेंगे। जी तो इस टाइम हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बंदे मारे भी आगे चले गए हैं, और ये हमने अहमद साहब को बोला यार थोड़ा पानी भर लो पीने के लिए, और रिजवान साहब ऊपर धूप में बैठ गए हैं, मानी साहब इस शरीर के समके थक चुके हैं इस टाइम, और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे सर 5-10 मिनट, उसके बाद फिर अपना सफर जारी रखेंगे। ये देखें जी रिजवान साहब आ रहे हैं दूर से, और ये इमरान हैदर साहब रास्ता नहीं मिल रहा आगे आने का, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि इन पत्थरों के ऊपर से चढ़ कर आना है और अभी काफ़ी आगे जाना है, और तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बस आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं,
तो सरवाइव कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लोग पहुँच ही जाएंगे। ये तो यार फाइनली हम लोग उस जगह के करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं, वो सामने आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये जगह सामने पानी आता था ऊपर से, तो बस बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं हम लोग। वो सारे सामने लड़के जा रहे हैं आगे, तो हम बस पहुँच चुके हैं बस करीब जाकर, और वीडियो बनाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तकरीबन हमें लग गया 1 घंटा 15 मिनट इधर पहुँचते पैदल सफ़र करके। हाँ जी, तो फाइनली यार हम लोग पहुँच आए हैं इस आबशार के ऊपर। ये देखिए मैं नज़दीक जाता हूँ, सबको लगी पड़ी है गर्मी, और इनके काम देखो सारे आप कपड़े चेंज कर रहे हैं। ओए क्या कर रहे हो? हाँ जी, तो हम लोग यार अभी थोड़े बहुत नहाए हैं, पानी ठंडा ठंडा इतना ज़बरदस्त किस्म का ठंडा पानी है। थोड़ा सा दिखाओ यार पानी भी इनको, इतना ज़बरदस्त व्यू है। और साथ रिफ्रेशमेंट भी लाए थे हम लोग, तो साथ थकावट हो गई थी, तो अब फ्रेश हो रहे हैं, तो थकावट भी है, खाने की भी है, बोतल भी है, लेस भी है, सब कुछ है। और उसके बाद थोड़ी देर नहाएंगे और एंजॉय करेंगे साथ, आप एंजॉय करेंगे। ओ तेरी बोतल गई भाई की, बोतल गल गई है सारी कोल्ड ड्रिंक भाई, और नहीं है अब आपके लिए। अच्छा जी, तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इधर घूमने के लिए आते हैं, एंजॉय करने किसी भी मकान पे जाएं, जहाँ पर भी जाएं ना, तो जो खाना पीना करते हो आप लोग, तो रैपर जो भी हैं ना, सफाई कर क्या है करो, ठीक है, क्योंकि सफाई का खास ख्याल रखा करें। अगर हम लोग इधर गंद फेंक कर जाएंगे तो कल कोई और आएगा तो वो भी इधर गंद फेंक कर चला जाएगा, तो ये जगह गंदी हो जाएगी। अच्छी जगह है, मेहरबानी करके जो भी गंदगी हो उसको साफ करके जाया करो, अपना कचरा जो खुद करके जाते हैं उसे साफ लाजमी किया करें। शुक्रिया। हाँ, जो भी यहाँ मेरे भाई आता है ना, सफाई का ख्याल रखा करो मेरे भाई, फिर यहाँ जगह घूमने के काबिल नहीं ना रहती मेरे भाई, ठीक है ना। मम्मा के जवान, क्या जबरदस्त व्यू है भाई साहब। हमने जो है नहा रहे थे और काफ़ी ठंड लग रही थी, मैं बाहर आ गया हूँ, ये सब अभी नहा रहे हैं, तमूर भाई, अहमद शहरियार, शराज भाई, मानी भाई, और ये भाई बाहर से टिकटॉक बना रहे हैं साथ की। और बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, वो एक दूसरे को बहुत दे रहे हैं। हाय तमूर भाई भी बाहर आ रहे हैं। तमूर भाई ठंड लग रही है यार, कसम से है भाई, मैं हिम्मत ही थी हो रही अब बहुत ज्यादा नहाने की, इतना ठंडा पानी है भाई, क्या ही बात है। मैं तो कहता हूँ एक बार लाजमी विजिट करें इस जगह का। हाँ जी, तो अभी इस टाइम नहा करना सारे बाहर बैठे हैं, ये देखे ठंड लगी हुई सबको, एक भाई तो वो सामने ना धूप के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो कहते चल मैं धूप लगवा कर आ जाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, थोड़ी देर ही बना नहाए तो ठंड लगने लग जाती है। और ये देखें जी पीछे जनाब सारे, इनकी बस हो गई है नहाने की, ठीक है। मानी भाई एक बार अंदर गया उसके बाद गई नहीं है यार, मेरे कान में भूख बहुत ज़्यादा लग रही है अब। रिजवान भाई सुनाए क्या महसूस कर रहे हैं? नाकर भूख महसूस कर रहा हूँ, भूख महसूस कर रही, इधर एक बकरियाँ थी नहीं, उनके साथ बिस्मिल्लाह करते हैं आज, दूध निकालते हैं ना उनका। हाँ, इधर बोतल भी पड़ी थी, हाँ ये वाली बोतल जो है ना इसके साथ। जी तो यार हम लोग अभी नहा धो लिया है, मज़े किए, इंजॉय किया फुल, तो अभी हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं वापसी की, ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो ये जनाब अभी नहा कर निकल रहे हैं सारे बाहर, तो अभी हम वापसी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह बस 10-15 मिनट तक हम निकल रहे हैं, तो अब करने लगे हैं जी व्लॉग को एंड, तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कि साथ साथ वीडियो बनाते रहें, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक देखे एक ओ ओ ठीक है, ठीक है, ये हालात हैं यहाँ पर, तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।